नमस्कार दोस्तों, आरोग्य मंत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीरजा। दोस्तों, हम अक्सर ऐसा करते हैं कि खाना खाने के बाद चाय या कॉफी पी लेते हैं, या फिर खाना खाने के साथ साथ फ्रूट्स खा लेते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि रात को खाना खाते समय दही या लस्सी ले लेते हैं। क्या ये आयुर्वेद की दृष्टि से सही है या गलत? आइए आज यही सारी आपकी कंफ्यूजन्स को हम दूर करते हैं और बातचीत करते हैं डॉक्टर प्रताप चौहान से। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू वेरी मच। और डॉक्टर साहब, आज हम आपसे चर्चा करेंगे विरुद्ध आहार के बारे में जी। लेकिन इससे पहले मैं दोस्तों को बता दूं, हमारे दर्शकों को बता दूं हमारा नंबर। जी हाँ दोस्तों, हमारा नंबर है 01294040404। अगर आपके मन में है कोई भी समस्या, कोई भी सवाल, तो आप हमें तुरंत फोन कीजिए, अपना नंबर रजिस्टर कराइए, जीवा के एक्सपर्ट टीम ऑफ डॉक्टर्स आपको कॉल बैक करेंगे। जी हाँ डॉक्टर साहब, तो सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि विरुद्ध आहार का क्या मतलब है? देखिए, बहुत अच्छा विषय है। और भोजन जो हम खाते हैं, बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं है कि भोजन हम क्यों खाते हैं। कुछ लोग जो है भोजन को समझते हैं कि भोजन ही बस आनंद है जीवन का, और भोजन को आनंद के लिए खाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो जीते ही केवल खाने के लिए। लेकिन खाना जो है उसका एक मकसद है। जिस प्रकार से आप अपनी गाड़ी में जब कोई पेट्रोल डालते हैं, डीजल डालते हैं, तो उसका पर्पज है गाड़ी को शक्ति देना, उसके स्वास्थ्य को ठीक रखना, उसकी शक्ति को बरकरार बनाए रखना। उसी प्रकार से जब हम भोजन खाते हैं तो हम किसके लिए खाते हैं? हम अपने हार्ट के लिए खाते हैं, अपने फेफड़ों के लिए खाते हैं, लीवर के लिए खाते हैं, किडनियों के लिए खाते हैं। तो ये थोड़ा समझना चाहिए। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ कि लोग जो, जैसा आपने कहा, कि कुछ भी खाते हैं जी, कुछ भी मिला करके खाते हैं। आयुर्वेद में एक बहुत अच्छा विस्तृत विषय है जिसको हम कहते हैं विरुद्ध आहार, यानी कि ऐसे भोजनों को आपस में नहीं मिलाना चाहिए जो एक दूसरे के विरुद्ध हैं। और उस विरुद्ध होने के लिए बहुत सारे सिद्धांत बनाए गए हैं, देश विरुद्ध, काल विरुद्ध, और उसका जो प्रकृति विरुद्ध, इस प्रकार से कई 18 प्रकार के जो है विरुद्ध भोजन आयुर्वेद में लिखे हुए हैं। कैसे पहचाना जाए कि कौन सा भोजन किसके साथ नहीं खाना चाहिए? देखिए, प्रिंसिपल की मैं बात कर रहा हूँ कि 18 पॉइंट्स हैं उसके लिए, बहुत विस्तृत जानकारी है। मात्रा विरुद्ध है। मात्रा यानी कि जो हमारे पेट की मात्रा है उसके ज़्यादा अगर आप खाएंगे या उससे कम खाएंगे तो वो विरुद्ध हो जाएगा। कोष्ठ विरुद्ध है। कोष्ठ यानी कि आपका कोठा जो बोलते हैं, आपका जो कोष्ठ है वो मृदु कोष्ठ है या क्रूर कोष्ठ है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद संस्कार विरुद्ध है। संस्कार विरुद्ध यानी कि जैसे दही को आप जब तलना नहीं चाहिए, बहुत लोग दही फ्राई करके खाते हैं। अच्छा। उसमें थोड़ा तड़का लगाते हैं जी, तो वो विरुद्ध हो जाता है जी। तो एक अवस्था विरुद्ध है। अपोजिट टू योर प्रोफेशन। अच्छा। मान लो जो लोग बैठ के काम करते हैं, कंप्यूटर पर काम करते हैं, अकाउंट्स का काम करते हैं, वो खाएं पराठे, वो खाएं जो है गरिष्ठ भोजन, वो खाएं मिठाई ज़्यादा, तो वो उनके प्रोफेशन के विरुद्ध है। या जो लोग एथलीट्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, स्पोर्ट्स करते हैं, खेल का काम करते हैं, बहुत मेहनत का काम करते हैं, वो अगर बहुत लाइट खाना खाएं, वो केवल रूखा सूखा खाना खाएं, गरिष्ठ भोजन ना करें, तो उनके लिए विरुद्ध जी, है। जी डॉक्टर साहब, इस विषय में हम और डिस्कशन अपनी जारी रखेंगे। हमारे पहले कॉलर आज हमसे जुड़ चुके हैं, आइए पहले उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरोग्य मंत्र में। अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुनीता बजाज है, मैं करनाल से बोल रही हूँ। पूछिए अपना प्रश्न। मैं कोई भी गर्म चीज लेती हूँ, इवन कोसा पानी वगैरह, सबसे मुझे सिर दर्द होता है और चक्कर आते हैं और कॉन्स्टिपेशन रहती है बहुत ज्यादा। अच्छा, तो जो सिर दर्द आपको होता है वो पूरे सिर में होता है, आधे सिर में होता है? वो सिर्फ कोसा पानी और गर्म पानी लेने से होता है। अगर मैं ठंडा पीती रहती हूँ फिर कभी नहीं होता। नहीं, लेकिन पूरे सिर में होता है दर्द। हाँ जी। और कॉन्स्टिपेशन से क्या मतलब है? आपका मोशन आता नहीं आपको? नहीं, अगर मैं गर्म पानी नहीं पीती तो नहीं आता, गर्म पानी पीती हूँ तो मोशन तो होते हैं, फिर सिर दर्द रहता पूरा दिन। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो गर्म पानी से आपको सिर दर्द होता है, चाय से भी होता है? नहीं, चाय से नहीं होता, कोसा पानी पीने से होता है केवल। हाँ जी, मैं आपके पास वहाँ भी आई थी, आपसे मेडिसिन भी लेके गई थी जी। देखिए, जो मेडिसिन की बात है वो तो ये है कि पहले आपको ये बताना है कि आपका रोग जो है
वो कितना पुराना है? काफी पुराना है। कितने साल हो गए? 8-9 साल हो गए। और जब आपको ये दर्द होता है तो कितना तेज दर्द होता है, मतलब बहुत तेज होता है जो बर्दाश्त नहीं हो सकता है, या मध्यम का? जी, दर्द भी तेज होता है और चक्कर आते रहते, धुंधला धुंधला दिखता रहता है। अच्छा, और कुछ उल्टी वगैरह आती है उसमें? हाँ, अच्छा। उल्टियां भी आती है। और आपको और अभी अगर कोई गर्म चीज नहीं लेती तो ऐसा कभी नहीं होता, पर फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। अच्छा, और जब दर्द जब आपको हो जाता है तो कोई गोली वोली लेनी पड़ती है, अपने आप शांत हो जाता है? नहीं, अपने आप ही एक दो दिन बाद ठीक हो जाता है, वॉमिटिंग के बाद ठीक हो जाता है। एक दो दिन रहता है वो? हाँ जी। चाय पीते हैं आप वैसे? हाँ जी। चाय तो आपकी बंद की थी हमने। चाय के बिना मैं रह नहीं सकती। फिर कैसे इलाज होगा बताइए? हैं? क्योंकि आपको जो है हमने समझाया था तब भी कि आपको पित्त से रोग होता है, ठीक है, याद अगर आपको होगा या भूल गए वो भी सब? नहीं, याद है सब कुछ। हाँ, तो याद है तो सबसे पहले हमने आपको कहा था कि जब तक आप पित्त को बैलेंस नहीं करेंगे शरीर में तो दवाई भी बेकार जाएगी। हम आपको बार बार समझाते हैं, आपके आपकी दवाई से मुझे बहुत फर्क पड़ा था, बहुत ज्यादा। हाँ, फर्क पड़ा था, लेकिन आपने दवाई भी बीच में बंद कर दी और आगे जो आप उसका परहेज भी नहीं कर रहे हो। तो देखिए, जब तक आप परहेज नहीं करेंगे और पूरी तरह से दवाई नहीं खाएंगे तो फिर दवाई आपकी ठीक नहीं होगी, और यही रोग जो है आगे चल के एक भयंकर रोग में परिवर्तित हो जाएगा। उस समय आप हमारे पास जब आते हैं तो फिर हमारा भी जो है मजबूरी होती है, क्योंकि रोग इतना बढ़ चुका होता है कि फिर उसको ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। आपका रोग ठीक भी हुआ, सब कुछ हुआ, फिर भी आप लापरवाही करते हैं, बहुत गलत बात है। प्लीज इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए और अपने रोग को जल्दी से जल्दी ठीक करने का प्रयास करें। तो दर्शकों, आई होप आप डॉक्टर चौहान की बात बिल्कुल गौर से सुन रहे होंगे कि औषधि भी आपको एक हद तक तब तक ही ठीक कर सकती है जब आप अपने खान पान का ध्यान रखें और एक प्रॉपर आयुर्वेदिक जीवन शैली का पालन करें। सुनीता जी, आप डॉक्टर साहब की बात को ध्यान दीजिए, गौर कीजिए और उस पर अमल भी कीजिए। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले मैं याद दिलाना चाहूंगी आपको हमारा नंबर। जी हाँ, हमारा नंबर है 0129404044। मिलते हैं आपसे इस छोटे से ब्रेक के बाद।